नमस्ते, मैं हूँ सोनम। स्वागत है आप सभी का मॉरल स्टोरीज इन हिंदी चैनल पर। आज हम आपको गरीब हलवा पराठे वाले की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक का नाम था अली और दूसरे भाई का नाम था अकरम। अली हलवा पराठे का ठेला लगाता था और अकरम कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह कुछ जुगाड़ करके पैसा कमा लिया करता था। अकरम अपनी भाभी के लिए एक दिन घर पर सूट लेकर आ गया। अकरम की भाभी बोली, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अकरम बोला, भाभी आप ये सब मुझसे मत पूछा करो, मैं सिर्फ जुगाड़ ढूंढता हूँ और बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तभी घर पर उसका भाई अली पहुंचा। वो बोला, भले ही जुगाड़ से अमीर बन जाएगा, लेकिन तू पैसों से कभी अमीर नहीं बन पाएगा। अपने भाई की बात सुनकर अकरम बोला, भाईजान आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, आप इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? मुझे तो जल्दी से अमीर बनना है। ये सब बोलकर वो अपने भाई अली का मुंह बंद करवा देता है। लेकिन अली की सोच बिल्कुल सही थी। वो एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत चढ़ उतार था। वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सामान से हलवा पराठा बनाता था। वो कभी भी अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन दुकानदार ने कहा, तुम इतने महंगे मैदा तेल से क्यों हलवा पराठा बनाते हो? इससे तुम्हें कुछ भी मुनाफा नहीं होता। इस पर अली बोला, मेरे ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, और कभी भी अपने ग्राहकों को खराब और सस्ती गुणवत्ता वाली चीजों से बना हलवा पराठा नहीं खिला सकता। वो अपने ग्राहकों का बहुत अच्छा ख्याल रखता था। अली का हलवा पराठे का ठेला बीच बाजार में था, इसलिए उसके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। लोग अली के ठेले से हलवा पराठा घर के लिए पैक करवा कर ले जाया करते थे। लोगों को उसके हलवा पराठे को खाने में बहुत स्वाद आया करता था। अली अपने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी फातिमा को दिया करता था। एक बार जब अली ने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया, तो उसकी पत्नी बोली, ये तो पिछले महीने से कम है। ये सुनकर अली बोला कि हाँ, इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। ये सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोले कि आप अपने अली ने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया, तो उसकी पत्नी बोली, ये तो पिछले महीने से भी कम है। ये सुनकर अली बोला, हाँ, इस महीने तेल के दाम बढ़े हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। ये सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोले कि आप भी अपने हलवा पराठे का दाम बढ़ा दीजिए। ये सुनकर अली बोला, नहीं फातिमा, अगर मैं अपने हलवा पराठे के दाम बढ़ा दिए तो लोग खरीद नहीं पाएंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी फातिमा बोली, इस तरह तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर अली बोला, कोई बात नहीं। ये सारी बात उसका भाई अकरम सुन रहा था। वो बोला, भाईजान आप कब सीखोगे कि सबसे पहले अपना भला सोचना चाहिए, इसके बाद दूसरों के बारे में सोचना चाहिए? ये सुनकर अली बोला, ये कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन मेरी तरह एक ईमानदार व्यक्ति बन जाओ तुम भी। अकरम बोला, नहीं भाईजान नहीं, आप अपने तरीके से काम करो, मैं अपने तरीके से करता हूँ, मुझे तो कोई भी जुगाड़ करके जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना है। ये सुनकर अली बोला, ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि तेरी वजह से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग थी।
एक हमेशा अपना भला सोचा करता था तो एक हमेशा दूसरे लोगों का भला सोचा करता था। एक दिन फातिमा को एक फोन आता है। वो फोन पर ही रोने लगती है। इस पर उसका पति अली पूछता है कि क्या हुआ फातिमा? वो रोते हुए बोली, आपकी चाची जिंदा नहीं रही है। ये सुनकर अली चाची के यहाँ चला जाता है और भाई अकरम से कहता है, जब तक मैं बाहर जा रहा हूँ तुम ठेला चलाते रहना। और वो जाते जाते कह जाता है हमेशा महंगे सामान ही खरीदना, क्योंकि सस्ते सामान में केमिकल मिला रहता है। अकरम ये सुनकर कहता है, ठीक है भाईजान, मैं ख्याल रखूंगा। ये कहकर अली अपनी पत्नी फातिमा के साथ गांव चला जाता है। इधर अकरम अली का हलवा पराठे का ठेला लगाने के लिए चला जाता है। ग्राहक ठेले पर आकर अली के बारे में पूछा करते हैं, अली भाई कहाँ पर गए हैं? इस पर अकरम ने कहा, वो अभी गांव गए हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। वो ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेच रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने देखा तेल का डब्बा खत्म होने वाला है। अकरम ने कहा, सारा सामान कल सुबह खरीद लेता हूँ। वो अगले सुबह सामान खरीदने के लिए होलसेल की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने सामान के बारे में पूछा। उसने कहा, सस्ता वाला चाहिए या महंगा वाला? अकरम ने दोनों में फर्क पूछा। दुकानदार बोला, सस्ता वाला खुला तेल है, उसकी गुणवत्ता भी कम है और महंगा वाला अच्छा होता है। उसने दुकानदार से कहा, मुझे सस्ता वाला ही तेल दे दो, मुझे कौन सा घर का खाना बनाना है। अकरम ने दुकानदार से तेल और सारा सामान सस्ता वाला खरीद लिया था। अकरम ने सारा सामान खरीद कर उसने अपना ठेला लगा दिया। रोज की तरह ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग अकरम से हलवा पराठा खरीदने लगे। आज अकरम खुश था क्योंकि उसका मुनाफा ज्यादा हो रहा था। वो लगातार बहुत दिनों तक सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाकर बेचता रहा। कुछ दिन बाद उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। ग्राहकों ने ठेले पर आना बहुत कम कर लिया। तब दो ग्राहक अकरम के ठेले पर हलवा पराठा लेने के लिए आते हैं। आपस में बात करते हैं कि कल डॉक्टर के यहाँ गई थी, वहां पर बहुत भीड़ थी, सभी के पेट में दर्द था, पता नहीं क्या खाया था। डॉक्टर बोल रहे थे फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये बातें सुनकर अकरम थोड़ा चिंतित हो गया क्योंकि वह बहुत दिनों से सस्ते सामान से हलवा पराठा बना रहा था। वह सोच रहा था, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ होगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तुरंत अपने भाई अली को फोन लगाया और बोला, भाईजान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी और मैंने सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाया और मेरी वजह से सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, भाईजान अब मेरी मदद कीजिए। इस पर अली बोला, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अब देख सभी मासूम लोग बीमार हो रहे हैं। अली बोला, सबसे पहले सारे सामान फेंक दे और ऊपर वाले से दुआ कर कि सभी लोग जल्दी से ठीक हो जाए। अकरम ने सारे सामान को फेंक दिया। अकरम बहुत परेशान था, उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। वो मन ही मन कह रहा था कि मैं कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कोई मेरी वजह से बीमार हो या कोई मेरी वजह से उनका कुछ नुकसान हो। वो कह रहा था, कभी मैं जुगाड़ से पैसे नहीं कमाऊंगा। वो घर आकर सभी फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए दुआ मांगने लगता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाने चाहिए। अगर अकरम अपने सामान में मिलावट नहीं करता तो उसके ग्राहकों की संख्या कभी कम नहीं होती। हमें हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और मेहनत से पैसे कमाने चाहिए।